कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में दो सबसे बड़े राज का खुलासा होगा, जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। और वो दो सबसे बड़े राज का खुलासा क्या होगा, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजु के बेल आइकन को भी दबा दे। सबसे बड़े अतीत के राज का खुलासा होगा कि बच्ची को गोद लेने के लिए करीना बुआ ने चली थी बहुत पहले ही एक बड़ी चाल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बड़े राज का खुलासा होगा कि पीहू और किसी की नहीं बल्कि करण की बेटी है। ये करीना बुआ को 3 साल पहले ही पता चल गया था और इसके साथ साथ ये बात और किसी को नहीं बल्कि ऋषभ को भी पता है। लेकिन करीना बुआ ने ये बात पूरे परिवार से छुपाने के लिए सोनाक्षी के पापा के साथ मिलकर एक सबसे बड़ी चाल चली थी, जहाँ पर अतीत की सबसे बड़ी सच्चाई आएगी कि जब सोनाक्षी ने अपनी बच्ची को जन्म दिया था तब करीना बुआ को ये बात पता होने की वजह से कि सोनाक्षी की बच्ची का बाप और कोई नहीं बल्कि करण है, इसीलिए डिलीवरी के समय 3 साल पहले करीना बुआ ने लूथरा उसकी इज्जत को बचाने के लिए डिलीवरी के समय सोनाक्षी के पास हॉस्पिटल में जाकर एक सबसे बड़ी चाल चली थी और सोनाक्षी को और उसके पापा को सुझाव दिया था कि इस बच्ची को अनाथ आश्रम में रख दो और इसके जो भी पैसे होंगे वो मैं तुम्हारे परिवार को दे दूंगी। और 3 साल पहले करीना बुआ ने सोनाक्षी को प्यार से कहा था कि ये बच्ची को अब मैं मेरी बेटी मानकर बड़ा करूंगी। लेकिन पूरे समाज के सामने यह सच्चाई आनी नहीं चाहिए कि यह बच्ची और किसी की नहीं बल्कि करण की है, जिस वजह से यही शर्त पर 3 साल पहले करीना बुआ ने करण की बच्ची को सोनाक्षी और सोनाक्षी के पापा को कहकर उसी की फ्रेंड के अनाथ आश्रम में भेज दिया था, ताकि आगे जाके खुद करीना बुआ किसी एक बड़ी वजह से उस बच्ची को गोद ले सके। जिस वजह से हिला देने वाले दूसरे सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि जब करीना बुआ को पता चला कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है और वो माँ नहीं बन सकती, जिस वजह से करीना बुआ ने अपने खानदान के खून को किसी को पता ना चले ऐसे लाने के लिए बड़ी चाल चली थी, जहाँ पर 3 साल पहले अनाथ आश्रम में करीना बुआ ने सोनाक्षी की बच्ची को रखवाया था। उस अनाथ आश्रम में करीना बुआ जानबूझकर राखी माँ को ले गई और उसे वही बच्ची दिखाई जो करण की थी, जिस वजह से करीना बुआ और राखी माँ ने दोनों मिलकर करण की ही बच्ची को अडॉप्ट करने का फैसला लिया। लेकिन ये बात राखी माँ को पता नहीं थी। लेकिन सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि एनजीओ के जरिए पूरे परिवार के सामने यह सच्चाई कि इस बच्ची के बारे में और किसी को नहीं बल्कि करीना बुआ को पहले से ही पता था। और एनजीओ वाले खुलासा करेंगे कि अक्सर सोनाक्षी इस बच्ची से हमेशा अनाथ आश्रम में मिलने के लिए आती रहती थी, लेकिन कभी इसने बताया नहीं कि यही इस बच्ची की असली माँ है और पीहू असलियत में और किसी की नहीं बल्कि करण की और सोनाक्षी की बेटी है। यह सच्चाई प्रीता के सामने आएगी तब प्रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्रीता का दिल टूट जाएगा और खुद करण को भी विश्वास नहीं होगा कि उसके पीठ पीछे उसके परिवार ने ही इतना बड़ा कांड कर दिया है। और इसी वजह से सोनाक्षी अपनी बच्ची पीहू को ले जाने के लिए कहेगी, तब पीहू को करण और उसका पूरा परिवार ले जाने से इनकार कर देने की वजह से सोनाक्षी अपनी बच्ची पर मां का हक मांगने के लिए और बच्ची को हासिल करने के लिए कानूनन कार्यवाही करेगी, जहां पर ये केस सीधे कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट में पीहू फैसला लेगी कि उसे माँ के पास जाना है या फिर बाप के पास। और लेकिन अगर सोनाक्षी पीहू को अपने साथ ले गई और पीहू करण प्रीता से अलग हो गई या फिर प्रीता करण से दूर हो गई तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।